नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। पहला तो यहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक भी ईंट बिना इनको रिश्वत दिए बिना एक भी ईंट नहीं लगती इस क्षेत्र में। आप किसी भी 25 गज 10 गज 50 गज वाले मकान वाले से पूछ लो, एक ईंट नहीं लगाने दी इन्होंने किसी को भी। जिसने बेचारे ने कुछ देने से मना कर दिया उसके पे हथौड़ा चलवा दिया इन्होंने। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर इनका भाई को अगर इन्होंने मौका दिया तो किसी गरीब के मकान पर MCD वाला चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मैं आज वादा करके जाता हूँ यहाँ पे। और दूसरा, क्षेत्र का बुरा हाल हो रखा है। जितनी भी एंट्री है क्षेत्र की, सभी जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। हमारा सर्विस रोड है, इस पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगवा रखे हैं इन्होंने। और पूरे सर्विस रोड को, जो हमने सांसद जी से अपील करके सर्विस रोड बनवाया है इतनी मेहनत से, उस पर इन्होंने पार्किंग बनवा दी है। यहाँ से लेके 60 फुट से लेके पूरा डाबड़ी तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है। उसको हम हटवाएंगे। ये सड़कें तोड़ के नालियां बना रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे जी जनता इतनी परेशान है, नालियों की कोई निकासी नहीं है। सब पानी जमीन वहीं उनकी नीम में ही मर रहा है मकानों की में। लोग बाग बहुत परेशान है, मच्छर मक्खी इतने हो, आप किसी से पूछ लो क्षेत्र में, इतने मच्छर मक्खी हो रखे, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही है। पानी जो आ रहा है, हिरी का पानी कहते हैं ना जी, शिविर का पानी आ रहा है। टोटल कोई पी नहीं सकता। अगर उन प्रवीण कुमार जी कहते हैं कि मैं पी लूंगा तो पी के दिखा दें। शिविर का पानी आ रहा है, लोग बाग इतने बीमार हैं, पूछो मत। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।